हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच बी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। माई नेम इज हरीश चंद्र। आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं, वो भी टेंस बहुत ही ट्रिक से पढ़ेंगे। अगर तीन ट्रिक मैं बताऊंगा, इस तीनों ट्रिक को अगर आप आसानी से सीख जाते हैं, तीनों में से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों को ही सीखिए, तीनों ट्रिक में से किसी एक को ट्रिक को अगर आप सीख जाते हैं तो ये मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको टेंस में कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी मैं तीन ट्रिक बता रहा हूँ, तीनों ट्रिक में से किसी एक ट्रिक को आप ज़रूर सीख लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप तीनों ट्रिक को सीखें। अगर तीनों ट्रिक को सीख जाते हैं तो कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में आपको टेंस बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, ट्रिक से हम टेंस पहचानना सिखाएंगे, ट्रिक से हम टेंस बनाना सिखाएंगे। आज ही और अभी से आप अंग्रेजी सीखेंगे। और देखिए, मैं बता रहा हूँ टेंस 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 का मतलब होता है काल। टेंस को तीन प्रकार से बांटा जाता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जो काल अभी चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ, जो कुछ भी क्रियाएँ फिलहाल में आज चल रही है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आज से पहले जो कुछ भी क्रिया किए हैं, पास्ट भूतकाल, आज से पहले जो कुछ भी क्रियाकलाप किए हैं ज़िंदगी में, वो सब का सब भूतकाल हो गया। बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल ये आज के बाद जो कुछ भी होने वाला होगा, जो कुछ भी हम प्लानिंग करेंगे उसे हम फ्यूचर में करेंगे यानी कि वो फ्यूचर टेंस होगा। देखिए, प्रेजेंट टेंस पहचानने का ये सिंबल है। जिस वाक्य के लास्ट में हैं, हूँ, हो पाया जाता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के लास्ट में था, थे, थी पाया जाता है उसे हम पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल कहते हैं। जिस वाक्य के लास्ट में गा, गे, गी पाते हैं उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। ठीक उसी तरह से मैं एक ट्रिक बताया हूँ आपको, गा, गे, गी, था, थे, थी, हैं, हूँ, रटना नहीं पड़ेगा। एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर आप जान जाते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी टेंस को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए, ट्रिक दिया है, ये मेरा नाम है हरिश्चंद्र, खुद का मेरा ही नाम है हरिश्चंद्र। ये नाम है हरिश्चंद्र, ह का जो ये पहला अक्षर है, ये ह है, ये हरिश्चंद्र का पहला अक्षर है। अगर ये ह किसी भी वाक्य के लास्ट में, कितना भी वाक्य बड़ा क्यों ना हो, ये किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर ह आपको दिख जाता है, अगर ह दिखेगा तो ये फिक्स है कि उस पर कोई ना कोई मात्रा होगा। और जब उस पर कोई ना कोई मात्रा होगा तो ये फिक्स है कि वो प्रेजेंट टेंस है। आपको बेहिचक उसे बता देना है कि ये प्रेजेंट टेंस है। किसी भी वाक्य के लास्ट में ह दिखता है, ह पर कोई ना कोई मात्रा होगा, जब मात्रा होगा तो वो प्रेजेंट टेंस है। बेहिचक उसको आप बता दीजिएगा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस। ठीक उसी तरह से ये मेरा फ्रेंड गौरव राय हैं। देखिए, ये मेरा फ्रेंड गौरव है, उन्हीं का नाम जो है ये गौरव है। गौरव का पहला अक्षर ग है। अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में, कितना भी बड़ा वाक्य क्यों ना हो, किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर ग आपको दिख जाए, अगर ग दिखेगा तो ये फिक्स है उस पर कोई ना कोई मात्रा होगा। और जब उस पर कोई ना कोई मात्रा होगा तो आप समझ लीजिए कि वो फ्यूचर टेंस है। किसी भी वाक्य की, कितना भी बड़ा वाक्य क्यों ना हो, अगर ग आपको दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वो फ्यूचर टेंस है। ह से प्रेजेंट टेंस पहचानिएगा, ग से फ्यूचर टेंस पहचानिएगा। जब दो को आप पा गए, प्रेजेंट और फ्यूचर को, जब अब दो को पा गए प्रेजेंट और फ्यूचर को, तो इन दोनों को छोड़ करके किसी भी वाक्य के कोई भी अक्षर पाइएगा, कोई भी शब्द पाइएगा, इन दो को छोड़ करके, इन दोनों अक्षरों को छोड़ करके किसी भी वाक्य में इन दोनों के अलावा कुछ भी आपको दिख जाए उसे आप बेहिचक कह दीजिएगा पास्ट टेंस है। ये प्रेजेंट रहा,
ये फ्यूचर रहा। इन दोनों के अलावा किसी भी वाक्य के लास्ट में इन दोनों के अलावा कुछ भी दिख जाए आप बेहिचक कह दीजिएगा कि पास्ट टेंस है। आप ये दो ट्रिक से आप केवल टेंस पहचानना सीखे हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरह पास्ट के चार पार्ट होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरह फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। देखिए आज हम ट्रिक से अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, उसमें हम तीन ट्रिक बताएंगे। आप लोगों को मैं कहूंगा जरूर कि आप लोग तीनों ट्रिक को सीख लीजिएगा। ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक आप लोग को कभी कहीं नहीं मिला होगा। आपको कभी कभी भी केवल ट्रिक से आप लोग मैथ पढ़े होंगे, आज से और अभी से ट्रिक से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। देखिए मैं अभी बताता हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट पहचानने का इसमें सिंबल मैं बताया हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे इसका पर हम यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट पहचानने का तरीका है, जिस हिंदी वाक्य के या किसी भी वाक्य के मुख क्रिया के अंत में, किसी भी वाक्य के मुख क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट पहचानने का ये तरीका रहा। अब इस तरीका को हम जान गए कि किसी भी वाक्य के मुख क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं इत्यादि शब्द आता है उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब का पांचवा फॉर्म लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल बनाना सिखा रहा हूँ। आप देखिए ये गो जो है ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, और सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हम लोग ये जोड़ते हैं, ये सिंगुलर हो गया, कम है, कम इसका सिंगुलर हो गया, ईट है, ईट इसका सिंगुलर ईट्स हो गया, ईट ये प्लूरल है। देखिए अब हल्का भारी, हल्का भारी का मतलब ये है कि राम भाई एक हैं, और ईट मीन्स पढ़ना होता है। अब ये प्लूरल है, राम सिंगुलर है। अब यह रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, राम सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, अगर हमें इसको अब सिंगुलर बनाना है और ऐसे बनाते हैं तो गलत हो जाता है। राम हल्का, इधर एस जोड़ देंगे तो भारी हो जाएगा, ये हल्का तो ये भारी, अगर उसी तरह से दे देता है कि वे लोग सोते हैं, वे लोग सोते हैं, वे लोग अब ज्यादा लोग हैं गए, और ज्यादा लोग हो गए इसका मतलब भारी, और जब ये भारी तो ये हल्का, ये हल्का तो ये भारी, ये भारी तो ये हल्का, इस तरीके से हल्का भारी रूल चलता है। जैसे प्ले भारी है, इधर इसमें एस जोड़ देते हैं, प्ले हल्का है, एस जोड़ते हैं तो भारी, कम है, कम हल्का है, एस जोड़ देते हैं तो भारी, गो हल्का है, ये जोड़ देते हैं तो भारी। ये एक ट्रिक दूसरा रहा, ये पहला, ये दूसरा। तीसरा ट्रिक मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप तीनों ट्रिक को जानिएगा। तीनों ट्रिक को अगर आप जान जाते हैं या तीनों में से किसी एक को जान जाते हैं तो आपको कभी भी टेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं भी।
देखिए ये तीसरा ट्रिक है, तीसरा ट्रिक है आयुर्वेद। आयुर्वेद आप पहले से नाम सुने होंगे, आयुर्वेद का मतलब होता है कोई ना कोई दवा। इससे अगर किसी का तबीयत खराब है तो आयुर्वेद दवा को अगर वो खा लेते हैं उनका तबीयत ठीक हो जाता है। इसी तरह से मैंने इस आयुर्वेद को बनाया है, ये आयुर्वेद मैंने बनाया है, इस आयुर्वेद को अगर जो खा लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि उनका इंग्लिश ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस आयुर्वेद को आप लोग अवश्य ही खाएं ताकि आपका इंग्लिश ठीक हो जाए। आप लोग सोच रहे हो कि ये आयुर्वेद क्या है, देखिए इस आयुर्वेद का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद, ये आयुर्वेद आ मीन्स आई होता है, यू मीन्स यू होता है, रे मीन्स वी होता है, द मीन्स दे होता है। अगर बहुवचन करता रहे ये विद्यार्थी, ये लड़के, ये लड़कियां, अगर इसी प्रकार के कुत्ते बकरियां, वे लोग, तुम लोग कुछ भी बहुवचन करता हो, आइए आयुर्वेद में से कोई एक हो या सब हो, इसमें से कोई ना कोई हो, अगर कोई रहेगा तो आपको वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ना है। आप इस बात को ध्यान में रखिए, आयुर्वेद में से कोई प्रोनाउन रहता है या बहुवचन सब्जेक्ट कोई ना कोई रहता है तो आपको वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ना है। ये मेरा तीसरा ट्रिक रहा। अभी इस ट्रिक पर मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। समझिए, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, देखिए आयुर्वेद में से आई आ गया। जब आयुर्वेद में से आई आ गया, अब आपको वर्ब लिखना है, लास्ट में जाइएगा, पढ़ना का रीड होता है। अब इसमें पहले से बोल दिया गया है कि आयुर्वेद में से कोई रहेगा तो एस या ईएस नहीं जोड़ना है। आप आई के बाद रीड लिखे हैं, इसमें एस या ईएस मत जोड़िएगा। अब ठीक उसी तरह एक और देता हूँ, तुम लोग खाना खाते हो, ठीक, तुम लोग, यू, खाना का ईट होगा। अब दे दिया आयुर्वेद में से यू आ गया, तब आपको वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ना है। ऐसे रहने दीजिए इसको, ये पहला ट्रिक ये आयुर्वेद वाला है। अब आयुर्वेद के बाद आप समझिए, आगे हम बता रहे हैं, सीता खाना पकाती है, हम लोग खाना खाते हैं, अब सीता खाना पकाती है। सीता सिंगुलर, सीता सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी लेगी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सिंगुलर बनाने के लिए आपको इसमें एस जोड़ना होगा, पहला ट्रिक बताया था, एस जोड़ना होगा। अब उसके बाद में इसका फूड लिखेंगे। या दूसरा ट्रिक इसी में देखिए, ये हल्का, सीता सिर्फ एक है, ये हल्का तो ये भारी। अब इसको देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, वी ईट फूड। पहली बात कि ये आयुर्वेद में से है तो एस या एस नहीं जोड़ना है, छोड़ दीजिए। दूसरी बात, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये भी सही है, इसको भी छोड़ दीजिए। तीसरी बात, अगर ये भारी तो ये हल्का, अगर ये भारी हम लोग माने एक से अधिक व्यक्ति हो गए तो भारी हो गया, अगर ये भारी तो ये हल्का, ये हल्का ये भारी, ये भारी ये हल्का। अब देखिए, अभी तो आप इतना छोटा सेंटेंस बनाए हैं वो भी बहुत आसानी से। हाँ, अभी किसी को प्रॉब्लम होगा कब एस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ेंगे,
इसका भी समस्या अभी हम दूर कर रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात को, यदि वर्ब में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसके वर्ब में ओ एक्स सी एच डबल एस 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 एच डबल जेड हो तो ई एस लगाते हैं, और इन सब के अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट है इनमें से कोई ना हो तो केवल एस लगाते हैं। आइए आयुर्वेद को केयर करते हुए और सिंगुलर प्लूरल को केयर करते हुए फिर हल्का भारी को याद करते हुए आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो बहुत ही आसानी से बना लेंगे, ये मेरा दावा है। देखिए मैं अभी आपको बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाकर दिखा रहा हूँ। राधा स्टोव पर खाना बनाती है, वे लोग होटल में खाना खाते हैं। देखिए दिया है राधा स्टोव पर खाना बनाती है। आपको इतना बड़ा सेंटेंस देखकर डरना नहीं है। पहला मैंने पहला ट्रिक बताया था सेंटेंस पहचानना, वाक्य के मुख क्रिया के अंत में, देखिए लास्ट में किसी भी वाक्य के लास्ट में मैंने बोला था ह पाइएगा, उस पर कोई ना कोई मात्रा होगा, उसे आप प्रेजेंट टेंस कहिएगा। प्रेजेंट टेंस आप पा गए, अब इधर थोड़ा बाएं खिसकिए, वर्ब में ताते ती पा गए तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया तो पहले आप सब्जेक्ट को पकड़िए, राधा सिंगुलर है, राधा सिंगुलर है ते बनाना, पहले हाथी है, इस हाथी को बोल दीजिए सूंड को कि यहीं पर पकड़े रहें, इस सूंड को इधर उधर ना हिलाएं, ये यहाँ पर आ गई। उसके बाद इनका आप पूंछ पकड़िए, पकाना का कुक होता है, राधा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, राधा हल्का तो ये भारी, ये दूसरी बात आयुर्वेद में से नहीं है। तो पहले मुड़ी पकड़ लिए न सूंड, उसके बाद में पूंछ पकड़े, धीरे धीरे पीठ पर चढ़ते हुए उनके गर्दन पर आ जाइए। ठीक उसी तरह से वे लोग होटल में खाना खाते हैं, ये सूंड है यहां से यहां तक। अब देखिए यहाँ पे पूंछ पकड़िए, ईट, ये सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये आयुर्वेद है से हैं तो ए सी एस नहीं जोड़ेंगे, ये भारी तो ये हल्का। इधर देखिए फूड इन द होटल, इन द होटल, इस प्रकार के वाक्य हमें उम्मीद नहीं भरोसा है और विश्वास है कि आप कितना भी बड़ा हो बहुत ही आसानी से बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।